सुबह के बज रहे हैं 8, आने वाले हैं श्री राजनाथ, होगी संसदीय मुद्दे पे बात और हम हैं आपके साथ। जी हाँ, बिरजू रंगीला ब्लॉग में काफ़ी स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देख सकते हैं मैं अभी हूँ दीघा रोड में और यहाँ से ही काफिला गुजरेगा, तो आपको इस ब्लॉग के जरिए आपको दिखाऊँगा। दोस्तों ये है द्वारका प्लेस और यहीं पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं और उन्हीं का इंतजार हो सकता हो रहा है। और देख सकते हैं काफ़ी प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी टाइट है यहाँ पे, तो अंदर भी चलेंगे और वहाँ का भी कुछ सुंदर दृश्य व्यू आपको दिखाएंगे। दोस्तों हॉल पूरा फुल हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब चलते हैं छत के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। जो भी बुजुर्ग खड़े हैं या पैसे से जो भी बुजुर्ग खड़े हैं उनको बैठने की जगह दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके कार्यकाल में इस देश के स्वर्णिम नए भारत की पटकथा लिखी गई, जब वो रक्षा मंत्री बने, भारत सरकार गृह मंत्री बने, भारत सरकार की, तो जो देश सोचना चाहता था कि आज यहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है, वहां हमारे दुश्मन घुस गए, उनके कार्यकाल में आज तक एक रिकॉर्ड रहा है। कभी एक बम ब्लास्ट तो छोड़ दीजिए, एक कभी फिल्ट्रेशन नहीं हो वैसे हमारे। और आज भारत सरकार के रक्षा मंत्री जिनके कार्यकाल में नए भारत की नई ताकत दिखी, जिस दुश्मनों से और जिस अपने पड़ोसी से परेशान करते थे, आज वो पड़ोसी हमसे परेशान है, वैसे वो भारत जो कभी झुकता नहीं है, लोगों से डरता नहीं है, इस तरह की दीवार स्थापित करने वाले हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है। अध्यक्ष अंदर
मैं जिला अध्यक्ष आदरण करूंगा कि अपने अतिथि के अभिभावक आदरणीय मंत्र पांडे जी जो प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और जिनके कार्यकाल में बिहार ने स्वास्थ्य में एक अद्भुत प्रगति देखी है और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जिनका अहम योगदान है उनका स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा श्वेता गुप्ता जी का करके श्रीमन की लोकप्रिय सांसद माननीय रमन देवी जी का स्वागत और हमारे सौभाग्य की रमन देवी आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत कर रही है। स्वागत के विवेक कुमार जी का शुभ शराब जी विशाल जी उपाध्यक्ष और हमेशा हम सबों को प्रेरणा और प्रेरणा देने वाले प्रेरित करने वाले आदरणीय राजनाथ सिंह जी मंच पर विराजमान सांसद रमा देवी जी जिला के अध्यक्ष मनीष जी मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित नेतागण सभागार में बैठे हुए सभी पूर्व सांसद पूर्व विधायक पूर्व विधान पार्षद पूर्व जिला अध्यक्ष पार्टी के जिला के सभी पदाधिकारी हमारे सभी देव तुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों आप सब लोगों को प्रणाम और नमस्कार। आज हम सब लोगों का बहुत सौभाग्य है कि जो क्लस्टर मीटिंग पार्टी के तरफ से चल रहा है पूरे देश में उस क्लस्टर मीटिंग के तहत आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हम सब लोगों के बीच सीतामढ़ी की धरती पर आए। माता जनक चंद्री सीता की यह धरती है और आते ही सबसे पहले राजनाथ जी ने माँ सीता की उस पुण्य भूमि के ऊपर बने मंदिर में पूजा अर्चना किया उस पोखर में जाकर पूजा अर्चना किया जहाँ माँ सीता का प्रादुर्भाव हुआ था और वहां से आप सब लोग के बीच आए। मैं निश्चित रूप से इतना कहना चाहता हूँ मैं जानता हूँ सीतामढ़ी के लोगों की भावनाओं को जो पुनौरा धाम के बारे में आप सब लोगों की भावना है बिहार की सरकार और भारत की सरकार आपकी भावनाओं के अनुरूप आगे आने वाले समय में काम करेगी। मैं आज इतना ही कह सकता हूँ और इस माता सीता की धरती को कैसे हम ज्यादा ख्याति मिले कैसे हम और इसको बेहतर करें उस दिशा में राज्य की सरकार और भारत की सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और आज बिहार में और दिल्ली में दोनों मिलकर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है यह सरकार एक बार एनडीए की सरकार बिहार को फिर से विकास के रास्ते पे आगे ले जाने का काम कर रही है। चुनाव हम सब लोगों के नजदीक है 2024 में एक बार फिर से हम सब लोगों को अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है और हम सब लोगों का सौभाग्य कि आदरणीय राजनाथ जी का संवाद आदरणीय राजनाथ जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलने वाला है। मैं भी उनके मार्गदर्शन को सुनना चाहता हूँ। मैं आदरणीय राजनाथ जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और हम सभी को इस मोदी जी की संवाद में संबोधित करें। आदरणीय राजनाथ जी
पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं और मेरी जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी आए हैं। आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मी उसी के साथ मेरा स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी महिला भाइयों का मेरा ये सौभाग्य रहा है क्या सीतामढ़ी में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और मां सीता मैया की जन्मस्थली पर आकर और उनके पावन मंदिर में जाकर के सिर झुकाने का और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। जहां तक बिहार का प्रश्न है, मुझे बिहार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है। हमारे मंगल पांडे जी हमारे बिहार के तेजतर्रार नेता हैं, देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। उन्होंने बहुत संक्षेप में आपको जानकारी दी है और आगे भी मुझे बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को बड़ी सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करना है। 15-20 मिनट में ही मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट क्यों देना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों को काम करते हुए और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रहकर अपनी भूमिका निभाते हुए आंदोलन देना और भारतीय जनता पार्टी को पूरे 10 वर्षों से आप केंद्र में काम करते हुए देखा। मैं भाइयों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी गवर्नमेंट जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है उस मोदी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। आप ये कहेंगे कि हर व्यक्ति अपनी पार्टी की अपनी सरकार की सराहना करता है, इसलिए आप भी अपनी पार्टी की और अपनी सरकार की सराहना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि यहां पर इंटेलेक्चुअल बैठे हैं बुद्धिजीवी बैठे हैं, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं उन यदि हमारी बातों से असहमत हो तो सार्वजनिक रूप से बोलेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, 10 वर्षों का समय है, इसके पहले की सरकारों को भी केंद्र में काम करते हुए आपने देखा। 10 वर्षों के अंदर पिछली जो भी सरकारें कांग्रेस की रही उन सब पर कभी न कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है 10 वर्षों का समय भी अगला कोई मां का हाल चाहे देश का हो विदेश का हो उनका कोई नहीं उंगली उठाकर नहीं कह सकती है कि हमारी सरकार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाखिल नहीं। इसलिए मैं ऐसा कोई दावा नहीं करना चाहता कि हमारी पार्टी में बिल्कुल गंगा स्नान करने के बाद बड़े धुले हुए लोग आ गए हैं, यह मैं दावा नहीं करता। देख रहे हम सरकार चलाते हैं तो सरकार चलाते हैं बात की पूरी सावधानी रखते जनता ने किसी स्वार्थ और किसी भरोसे के साथ हमको ये जिम्मेदारी सौंपी है, उस विश्वास और भरोसे भरोसे को हम किसी भी सूरत में टूटने न दें, यह हमारी कोशिश रहती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए समर्थन देना चाहिए, क्या आपने देखा होगा कि आजाद भारत के इतिहास में नेता करते कुछ हैं और करते कुछ हैं, राजनीतिक पार्टियां भी जो चुनाव के दौरान आती हैं तरह तरह के आश्वासन देगी, घोषणा पत्र जारी करेगी, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम यह कर देंगे वह कर देंगे करिश्मा कर देंगे, बहुत सारे आश्वासन सारी राजनीतिक पार्टियां देती हैं, हम लोग भी आश्वासन देते हैं। लेकिन मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और विशेष रूप से बुद्धिजीवी वर्ग से मैं निवेदन करना चाहता हूं, 2014 में मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था,
उस समय भी एक घोषणा पत्र था मेरे रहते और उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन चुके थे। मोदी जी बार बार मुझसे कहते थे कि अध्यक्ष जी इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं घोषणा पत्र में कोई ऐसी चीज न आए इसे हम बुला लेता और आपको घोषणा पत्र बनने लगा तो मैं भारत का गृहमंत्री था। उस समय भी मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी इस घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी आप ही की। आप हमारे दोनों घोषणा पत्रों को उठा कर देती है जो कहा था वो किया था हमने। हम 1951 से जब भारतीय जनसंघ रूप में काम कर रहे थे तब से अपने घोषणा पत्रों में इस मुद्दे की चर्चा करते चले आ रहे थे। जिस दिन हमको संसद के दोनों सभा में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा जम्मू कश्मीर की धारा 370 को समाप्त करने की दुनिया में चिंता करना, चिंता
बेसिक कैरेक्टर है, उसे चरित्र है। कतर के राष्ट्रपति सूर्य जवान बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। कतर के राष्ट्रपति से उन्होंने बात की, उसके बाद जो सारी हमारे पूर्व नौ सैनिकों की सजा थी फांसी की, वो माफ कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का मस्तक सही हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत दोस्तों, माननीय राजनाथ सिंह जा चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पे व्यवस्था भी हो रहा है और काफी लोगों की भीड़ है अभी भी।